कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स का पार्ट है, ठीक है ना, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ सिस्टम ऑफ सर्कल्स, डेफिनेशन, इट इज अ सिस्टम ऑफ सर्कल्स हैविंग या एवरी टू ऑफ विच हैव सेम रेडिकल एक्सिस। देखो क्या होगा, एक सर्कल का सिस्टम होगा आपके पास, मतलब फैमिली होगी सर्कल्स की, उन फैमिली में से कोई भी दो सर्कल आप उठाओगे उनकी रेडिकल एक्सिस सेम ही होगी हमेशा, ठीक है। हाँ, तो मतलब मेरे पास पांच सर्कल है, पांच में से 5C2 के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, सबकी रेडिकल एक्सिस सेम ही होगी, सबके लिए वो रेडिकल एक्सिस की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। यस, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ सर्कल एवरी टू ऑफ व्हिच हैव द सेम रेडिकल एक्सिस इज कॉल्ड कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, ठीक है। चलो तो बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल मुझे दिया हुआ है, तो मेरे पास दो सर्कल है, ठीक है, इनसे मैं चाहूंगा तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेडिकल एक्सिस निकाल सकता हूँ। इससे रेडिकल एक्सिस मैंने निकाल लिया, तो ये सर्कल S1 था, ये सर्कल S2 था, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, S1 - S2 = 0, व्हिच इज अ लाइन L एक्चुअली। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल निकालना है, मतलब मुझे फैमिली ऑफ सर्कल निकालना है जो सेम रेडिकल एक्सिस कंटेन करेगी। अब कौन सी सेम रेडिकल एक्सिस कंटेन कर रही है, वो सेम रेडिकल एक्सिस कंटेन करेगी जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी सेम होगा। अरे वही सर्कल होगा ना जो यहाँ दोनों से पास कर जाए, है ना, ये सुनो, यहाँ से Yes or no? Getting my point or not? ये सारे family को लाए करेंगे, क्योंकि circle यहीं से pass करेगा। Agree? Sir, ये S1 - S2. तो ये S कैसे आ जाएगा? ये S कैसे आएगा? S plus किसी भी one, किसी भी circle को लूँगा, S plus lambda L से आ जाएगा। Which can also be written as S1 plus lambda S1 - S2. Infinite circles है, ये family होगी सारी। अगर उनकी रेडिकल एक्सिस सेम है तो, अगर ये सिस्टम में है तो, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, हमें ऐसा सिस्टम निकालना है, तो वो हम सिस्टम कैसे निकाल सकते हैं, हाँ फैमिली है ना बेटा, देखो ना कितने भी सर्कल हो सकते हैं, इन दो पॉइंट से पास करने वाले इनफाइनाइट सर्कल होंगे ना, आप ऐसे समझो दो सर्कल है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर सकते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे ना अलग अलग, जिसके लिए कॉर्ड होगी, किसी के लिए डायमीटर होगी, ठीक है। ओके चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, तो ये भी हो जाएगा। सी ऐसा अगर हम ये डिस्कस नहीं करते तो भी आप फैमिली से कर सकते थे, लेकिन कभी नाम आ जाता कि भाई कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, तो फिर आप बोलते कि सर ये तो हमने देखा ही नहीं आता। चलो फटाफट लिखो क्वेश्चन, चलो ये लो बेटा लिखो फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद। लिख लिया, ठीक है। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल मतलब फैमिली ऑफ सर्कल ढूंढना जिसका सेम रेडिकल एक्सिस होगा, ठीक है ना, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चलो क्वेश्चन ले लेंगे एक फटाफट। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स कोएक्सियल विथ द सर्कल्स x² + y² + 4x + 2y + 1 = 0, next x² + y² - 2x + 6y - 6 = 0,
also find equation of particular circle, also find equation of particular circle whose center lies on radical axis. हाँ, सेंटर लाइज ऑन रेडिकल एक्सिस, उसका सेंटर जो होगा वो रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा. तो सेंटर उसकी रेडिकल एक्सिस को सैटिस्फाई करेगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स की. ठीक है ना, करो. लैम्डा के हिसाब से सर्कल अलग अलग मिलता है बेटा, मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है ना, लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग सर्कल मिलता है. चलो तो देख लेते हैं. तो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सर्कल्स कोएक्सियल विद दिस. तो मैं बोल सकता हूँ एस वन माइनस एस टू से मेरे को लाइन मिलेगा, तो लाइन कितना जाएगा, फोर एक्स प्लस टू एक्स सिक्स एक्स, 2y minus 6y, तो minus 4y plus 7 is equal to 0. ठीक है, अब जो मेरे को family of lines, family of circles मिलेगी, वो क्या मिलेगी, x square plus y square plus 4x plus 2y plus 1 plus lambda times x minus 1. Correct. तो s plus lambda l से family of lines मिला, family of circles मिला. तो इसका center define कर लो पहले, तो क्या जाएगा, x square plus y square plus 4 plus 6 lambda times x plus 2 minus 4 lambda y plus 1 plus 7 lambda is equal to 0. Now center of this circle is, ये 2gx है, तो center क्या हो गया इसका, 4 plus 6 lambda by 2 with the negative sign, comma 2 minus 4 lambda by 2 with the negative sign. So what you'll get the center as now? इसका सेंटर क्या आ गया सर्कल का, माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1. एग्री? अब ये क्या है, ये सेटिस्फाई करेगा किसको, इसको ये सेटिस्फाई करेगा किसको, लाइन को, लाइन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये सेंटर वहां पे लाई कर रहा है ना. यस और नो? रेडिकल एक्सिस के ऊपर सेंटर है सर्कल का. ठीक है ना. नेक्स्ट, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस विल सेटिस्फाई. तो आ जाएगा 6 माइनस के साथ 2 प्लस 3 लैम्बडा माइनस 4 2 लैम्बडा माइनस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम योर माइनस 12 माइनस 18 लैम्बडा माइनस 8 लैम्बडा प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 0. एग्री? तो 26 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 1. तो लैम्बडा माइनस 1 बाय 26. एग्री? बस अब क्वेश्चन आप कर लेना इसका. ठीक है ना, आई रेस्टेड ओवर यू. एक बार आंसर आपके चेकिंग के लिए मैं लिख देता हूँ. इट शुड बी 26 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 98x प्लस 56y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, लैम्बडा डालोगे ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा. ओके, नहीं ठीक है, यही आएगा ना, यही आएगा. ठीक है, 26 4 से मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस 1 अंदर होगा, तो 26 4 से होगा. अच्छा, 26 1 से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट. अच्छा, तो उसको 19 कर लो. ठीक है ना, यहाँ पे तो 9 दिया है, लेट्स डू इट 19. ओके, चलो अब एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ. ये निकाला ना आपने, इक्वेशन सर्कल का निकाला ना, वही तो निकाला. फैमिली ऊपर थी,
फैमिली ऊपर तक थी, नीचे सर्कल लिखा था, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो आपको एग्जामिनेशन में आया है, तो आप लोग कैसे करोगे, लेट्स डू दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था ना स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल x square plus y square plus 16x minus 24y plus 183 is equals to 0 by the line mirror, by the line mirror 4x plus 7y plus 13 is equal to 0. खत्म, ठीक है ना, कर लो जल्दी जल्दी, कर लो फटाफट फटाफट। क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल बाय द लाइन मिरर 4x plus 7y plus 13 equal to 0। किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन हम कैसे निकालते हैं, इमेज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो परपेंडिकुलर स्लोप निकालते हैं, फिर उसके बाद उसकी इक्वेशन बनाकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर वो फार्मूला, वो भी कर सकते हैं। ये उसको याद होगा जिसको स्ट्रेट लाइन जिसने करा है। चलिए पहले तो सर्कल लिख लेते हैं। सम सर्कल इज गिवन टू यू लाइक दिस। इसका सेंटर क्या दिया हुआ है? तो -8, 12 सर्कल का सेंटर दिया है। एक लाइन दी हुई है मुझे। इक्वेशन क्या है इसका? 4x plus plus 13 equal to 0, ठीक है ना। अब मुझे जो रिफ्लेक्टेड सर्कल होगा या जो इमेज होगी सर्कल की, वो यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगी, करेक्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये सर्कल की, ये लाइन की स्लोप मालूम है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी स्लोप निकाल लूंगा मैं। दो मेथड बता रहा हूँ मैं इसको प्रेफर नहीं करता क्योंकि फॉर्मूला मुझे याद है ना। व्हाट यू कैन डू इज ईदर यू कैन गो बाय फाइंडिंग आउट द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। हाउ विल यू गेट इट? मेथड वन, इसका स्लोप क्या है आपके पास? माइनस ऑफ 4/7। तो इसकी स्लोप कितनी आएगी? 7/4। इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस 12 इज 7/4 x प्लस 8। अब इन दोनों लाइन का, ये लाइन 2 है आपके लिए, ये लाइन 1 थी आपके लिए, लाइन 1 और लाइन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल गिव यू द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट का मिड पॉइंट वो होगा, सो यू विल गेट द सेंटर, सेंटर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके। ये मेथड वन है। मेथड टू क्या बोलता है? डायरेक्टली ये पॉइंट अगर आपको पता है निकालना है x, y, तो हम कैसे करते थे? x minus x1, तो x plus 8 upon a, which is 4, y minus y1 upon b is minus 2, लाइन में पॉइंट पुट करते हैं, तो 4 into minus 8 plus 7 into 12 plus 13 upon under root of, sorry, not under root, upon a square plus b square, कितना हो जाएगा? 49 plus 64, 49 plus 16, 65, ठीक है ना, a square plus b square, 49 plus 16, 65 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना, okay? 84, 94, 97, 32, 65, तो ऊपर भी कट गया, नीचे भी कट गया, ठीक है? x का value कितना आ गया? -16, y का वैल्यू कितना आ गया? -14 plus 12, -2, है ना? ओके, अब रेडियस तो सर्कल का दिया हुआ ही था आपको, कितना दिया हुआ था रेडियस सर्कल का? 5, तो भाई इसका रेडियस 5 है,
नए कोऑर्डिनेट्स आ गए, नया सेंटर आ गया, तो सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा यहाँ से, x प्लस 16 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ओके, ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कब आएगा, जब सारी चीजें आपको दिमाग में क्लियर होगी। दो मेथड मैंने बता दिया, या तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, x माइनस x1 by a, y माइनस y1 by b is equal to minus 2 a x1 plus b y1 plus c by a square plus b square, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में माइनस 2 हटा के सिर्फ माइनस रखते हैं, डायरेक्ट निकालना हो। ठीक है, फॉर्मूला याद इसलिए रख लो क्योंकि इसके बाद जब 3D पढ़ोगे तब प्लेन के बारे में सीखना होगा, तो प्लेन का भी ऐसे ही निकालते सब। ठीक है ना, लाइन का निकालना है 3D में तो ऐसे ही निकालेंगे, तो हेल्प होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब सर्कल्स को हम लोग बाय बाय टाटा कर सकते हैं, अब आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा एक छोटा सा थियोरी था। ओके, तो अब मॉड्यूल आप अच्छे से करें, एटलीस्ट सिंगल करेक्ट कर लेना, और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चंस पहले के।